वेलकम बैक माई चैनल बिलीव इन थेरेपी। सो आई एम नेहा एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट फॉर स्पॉन्डायलिसिस। स्पॉन्डायलिसिस में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस एंड लंबर स्पॉन्डायलिसिस। सो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम समझते हैं स्पॉन्डायलिसिस होता क्या है। सो स्पॉन्डायलिसिस एक जनरल टर्म होती है जो एक एज रिलेटेड देखने को मिलती है। पर्सन होते हैं ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं उनमें देखने को मिलती है कि उनकी जो डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से डीजनरेटिव ज्वाइंट हो जाते हैं, डीजनरेटिव वर्टिब्राज हो जाते हैं हमारे स्पाइन के। बियर एंड टीयर टाइप की स्पाइनल डिजीज़ होती है। इस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे स्पाइन पे आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। सो इसकी वजह से हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस एंड लंबर स्पॉन्डायलिसिस हो जाता है। सर्वाइकल एरिया पे हमें सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस देखने को मिलता है और लंबर एरिया पे लंबर स्पॉन्डायलिसिस देखने को मिलता है। तो ये डिजनरेटिव डिजीज़ होती है और इसमें हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं वहाँ पे पेन स्टिफनेस हो जाती है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के जो मार्जिन होता है वहाँ पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लगता है। जब ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लगता है तो वहाँ की जो जितनी भी नर्व होती है, नर्व रूट होती है, वो कंप्रेस होने लगती है, जिसके रीजन से हमारे यहाँ सर्वाइकल रीजन पर स्पॉन्डायलिसिस देखने को मिलता है। सो फर्स्ट इस पॉइंट है, दिस इज़ अ डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। तो ये क्या है, एक टाइप की सर्वाइकल स्पाइन पे डीजनरेटिव कंडीशंस होती है फॉर ऑलमोस्ट 50 इयर्स ऑफ एज में। एल्डरली पीपल में देखने को मिलता है 50 इयर्स एज पर्सन में। एंड इफ़ ए पर्सन कीपिंग द नेक कॉन्स्टेंटली इन वन पोजिशन रीडिंग राइटिंग एटीसी, इफ़ ये कोई पर्सन है जो एक ही पोजीशन में बहुत टाइम से काम कर रहा है, जैसे कि ऑफिस में अपने वर्क करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम एक कॉन्स्टेंसी के साथ हम फुल अपनी कंसंट्रेट के साथ वर्क करते हैं, तो हमारा कोई भी फोकस हमारे पोस्चर पे नहीं होता है कि हम किस टाइप से पोजीशन लिए हैं। तो इसकी वजह से हमारे ये कॉज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि नेक हमारी होती है वहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है, पेन होने लगता है उस एरिया पे। सो इसके कुछ कॉजेज जैसे कि हमारा बैड पोस्चर हो गया, प्रीवियस इंजरी हुई स्पाइन पे, कोई पहले से ही कोई इंजरी है उसकी वजह से हमारे जॉइंट पे आर्थराइटिस देखने को मिल रहा है, कोई भी डिजीज़ है, प्रीवियस डिजीज़ है या बर्थ डिफेक्ट है, तो इन सारी रीज़न की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं, पैथोलॉजी में कैसे ये इन्फेक्शन जो होता है स्प्रेड करता है। फर्स्ट क्या होता है, जो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं वहाँ पर पैथोलॉजी देखने को मिलती है डिस्क के मार्जिन पर, तो वहाँ पे क्या होता है डिजनरेशन होने लगता है, स्पेस होता है वो रिड्यूस होने लगता है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है मार्जिन पे। जब ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लगता है तो नर्व रूट होती है वो इम्पिंजमेंट होने लगती है, वो पेन जो है वो रेडिएट करने लगता है हमारे अपर लिम्स पे। सो ये पैथोलॉजी बिगिन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे बिगिन होती है। डिजनरेशन ऑफ डिस्क रिजल्ट रिड्यूस स्पेस एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होगा, ऑस्टियोफाइट में क्या होता है कि इम्पिंजिंग होने लगती है हमारे नर्व रूट की, इससे कि रेडिकुलर पेन देखने को मिलता है अपर लिम में। एंड ऑस्टियोफाइट जो होती है सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस से मोस्ट कॉमनली जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं, 3 सर्वाइकल वर्टिब्रा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, C5 to C6 मोस्ट कॉमन जो वर्टिब्रा होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं इस बियर एंड टीयर डिजीज से। सो यहाँ पे स्पॉन्डायलिसिस सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि हमारे जो नेक एरिया पे है, सर्वाइकल एरिया पे है, पेन एंड स्टिफनेस देखने को मिलती है, पेन होता है वो रेडिएट कर जाता है, गिडनेस देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट कंप्लेन होती है वो हेडेक होता है, पेन होता है, मसल्स स्पाज़म देखने को मिलता है। सो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग सिम्टम्स मीन्स पेन एंड स्टिफनेस। एंड ऑसिपिटल हेडेक में अकर अपर हाफ ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इन अफेक्टेड। जब हमारे अपर हाफ की सर्वाइकल स्पाइन जो अफेक्टेड होती है तो मोस्ट कॉमनली ऑसिपिटल हेडेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रेडिएटिंग पेन। पेन जो होता है वो रेडिएट कर जाता है। पेशेंट में प्रेजेंट विथ पेन रेडिएटिंग टू द शोल्डर और डाउनवर्ड ऑन आउटर स्पेक्ट ऑफ फोरआर्म एंड हैंड। जो पेन रेडिएट करता है शोल्डर से हमारी आर्म पे, आर्म से फोरआर्म एंड हैंड। कॉमनली जो C6 नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। गिडनेस देखने को मिलती है, पेशेंट को प्रेजेंट होती है गिडनेस। उसके बाद हम डायग्नोसिस देखते हैं, कैसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डायलिसिस की डायग्नोसिस करेंगे।
सो जो डायग्नोसिस होती है वो टू टाइप से होती है, एक हम फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकली एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे जो लॉर्डोसिस देखने को मिलता है स्पाइन पे, वहाँ पे नेक जो मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। फिजिकली जब हम पेशेंट से बोलेंगे नेक को मूवमेंट करो, नेक को राइट एंड लेफ्ट में लेके जाओ, तो उसके जो मूवमेंट होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। टेंडनेस देखने को मिलती है सर्वाइकल रीजन पे, और पॉजिटिव बेब्स के साइन होता है। पॉजिटिव बेब्स का इनमें क्या होता है कि हम जो पेशेंट के फुट एरिया पे ग्रेड टू होता है उसे हम मूवमेंट कराते हैं ग्रेड टू का, जिसमें वो पॉजिटिव मिलता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। देर इज ए लॉस ऑफ नॉर्मल सर्वाइकल लॉर्डोसिस एंड लिमिटेशन इन नेक मूवमेंट। लिमिटेशन होता है टेंडनेस लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे होती है, C6 रूट होती है हमारी कंप्रेस हो जाती है, पॉजिटिव बैलेंस की रिफ्लेक्स देखने को मिलता है जब हम फिजिकली एग्जामिन कराते हैं। नेक्स्ट हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या एक्सरे कराएंगे, AP व्यू एंड लेटरल व्यू। तो AP एंड लेटरल व्यू कराते हैं, तो वहाँ पे हम एक्सरे में क्या देखते हैं कि जो इंटरऑर्बिटल डिस्क होती है उसका स्पेस का वो नैरोइंग हो जाता है, C5 एंड C6 का स्पेस कम हो जाता है, तो ऑस्टियोफाइट देखने को मिलते हैं जो वर्टिकल के मार्जिन पे, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, छोटे छोटे बोन के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एंड इस नैरोइंग ऑफ द इंटरऑर्बिटल फोरामिन और कैनाल होती है हमारी स्पाइनल कैनाल, वहाँ पे इंटरऑर्बिटल जो फोरन होता है वहाँ पे नैरोइंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम ये पता करते हैं कि जो स्टिफनेस हुई है वो अदर या कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, जिसको इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से तो स्टिफनेस नहीं हुई है, इस चीज़ को हम कंप्रेंशिएट करते हैं कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस है या अदर कोई डिजीज़ है, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक पेन देखने को मिलता है सच एज इन्फेक्शन, ट्यूमर एंड डिस्क प्रोलैप्स कर जाते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट के सबसे पहले जो हमारा मेन एम होता है उस मूवमेंट को फिर से कराना, या जो अफेक्टेड एरिया है उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराना। सो प्रॉपर नेक पोस्चर, हम नेक पोस्चर प्रॉपरली कराएंगे प्रिंसिपल में, नेक मसल्स की एक्सरसाइज कराएंगे, एंड ट्रीटमेंट जो रिक्वायर होता है हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, एनाल्जेसिक दे दिया, पेन किलर होता है, हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं जिससे कि वहाँ की स्टिफनेस है वो कम हो जाए। रेस्ट ऑफ नेक इन सर्वाइकल कॉलर के थ्रू हम नेक को रेस्ट कराएंगे, एंड ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे नेक इफ़ देयर इज स्टिफनेस, यदि स्टिफनेस है बहुत ज़्यादा तो हम ट्रैक्शन दे सकते हैं, एंटीमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट को रेस्ट मिले, पेन हो वो कम हो जाए। तो यहाँ हमने आज के जो वीडियो हम डिस्कस किया है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस में, हमने उसकी पैथोलॉजी देखी, क्लिनिकल फीचर्स देखे, डायग्नोसिस देखा, ट्रीटमेंट देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लंबाई स्पॉन्डाइलिसिस के बारे में। लंबाई स्पॉन्डाइलिसिस में क्या होता है कि स्टिफनेस जो देखने को मिलती है वो लंबर एरिया पे मिलती है, हमारी L4 and L5 पे देखने को मिलती है, एंड ये भी डिजनरेटिव डिसऑर्डर की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टिफनेस होती है, बैक पेन होता है, और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो लगता है बोन में। सो फर्स्ट इज दिस इज डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ लंबर स्पाइन, डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ऑनसेट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, पेन होता है, स्टिफनेस एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है मार्जिन पे इंटरवर्टल डिस्क के। कॉजेज क्या है, बैड पोस्चर एंड क्रोनिक बैक स्ट्रेन इज मोस्ट कॉमन कॉज होता है, कि हम बैड पोस्चर, किस टाइप का पोस्चर ले रहे हैं, हम बहुत टाइम से एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी है, एक ही पोजीशन में हम बैठे हुए हैं बहुत टाइम से, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो वर्टिब्राज होते हैं और वहाँ पे जो नर्व की सप्लाई होती है वो धीरे धीरे कंप्रेस होने लगती है, और वहाँ पे बोन में कोई इंजरी की जैसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने लगते हैं, तो इसलिए हमें अपनी पोजीशन धीरे धीरे चेंज करती रहना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रीवियस इंजरी ऑफ स्पाइन, कोई प्रीवियस इंजरी पहले से ही स्पाइन में कोई इंजरी है उसके बाद डिजनरेटिव डिजीज़ हो जाती है, या प्रीवियस डिजीज ऑफ स्पाइन, कोई पहले से डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया या ट्यूमर हो गया वो इंटरवर्टिबल डिस्क में। नेक्स्ट इज बर्थ डिफेक्ट एंड ओल्ड इंटरवर्टिबल डिस्क, बर्थ डिफेक्ट है या जो हमारी ओल्ड इंटरवर्टिबल डिस्क है, जो ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलती है, एल्डरली पर्सन में। सो ये कॉजेज होते हैं हमारे, बैड पोस्चर हो गया, प्रीवियस इंजरी हो गई, प्रीवियस डिजीज़ हो गई, बर्थ डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी सेम है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस की वजह से, कि पैथोलॉजी में क्या होता है, डिजनरेशन बिगिन हो जाता है हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क जॉइंट पे, एंड जो जॉइंट का स्पेस होता है रिडक्शन होने लगता है जॉइंट का स्पेस इंटरवर्टिबल डिस्क पे, एंड मार्जिनल में हमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन देखने को मिलता है,
डिजनरेटिव चेंज डेवलप इन द पोस्ट फेसिव ज्वाइंट, और डिजनरेटिव चेंज होने लगता है, डेवलप होने लगता है हमारे फेसिव ज्वाइंट में, जहाँ पे हमारे जो पोस्टियर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जो पेडिकल्स हो गए, वो स्पाइनस प्रोसेस हो गई, टैनबस प्रोसेस हो गई, तो वहाँ पे जो स्पाइनस प्रोसेस आर्टिकुलेट होती है एक दूसरे से, वहाँ पे फेसिव ज्वाइंट फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है डेवलप हो जाता है ऑस्टियोपाइट फॉर्मेशन। ऑस्टियोपाइट अराउंड इंटरनल फोरामिन एंड नर्व रूट कैनाल, जो ऑस्टियोपाइट का फॉर्मेशन होता है वो हमारे इंटरनल जो डिस्क है उसके अराउंड होने लगता है और नर्व रूट कैनाल के अराउंड होने लगता है। जिससे क्या होती है कि जो नर्व रूट होती है यहाँ से पास होती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं धीरे धीरे, और हमारे लंबर एरिया पे स्पॉन्डाइसिस क्रिएट कर देती है। स्पॉन्डाइसिस एक डिजनरेटिव डिजीज़ होती है जिसमें बियर्ड एंड टीयर टाइप की ज्वाइंट डिजीज होती है। हम इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेट बियर नहीं कर पाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, पेन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, एग्जामिनेशन देखेंगे और हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। सो डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल फीचर क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या होगी, पर्सन की सिम्टम्स जो होंगे एज लो बैक पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं उस टाइम लो बैक पेन होता है, फीलिंग ऑफ कैच गेटिंग अप फ्रॉम ए सिटिंग पोजिशन, फीलिंग ऑफ कैचिंग कैच की फीलिंग होती है, हमें से एक लव फीलिंग होती है सिटिंग पोजिशन के टाइम, एंड पेन में भी रेडिएट डाउन द लिम अप टू काफ मीन्स सियाटिका, जो पेन होता है वो रेडिएट कर जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जैसे कि सियाटिका होता है। इरीटेशन ऑफ नर्व रूट L5 एंड S1, जो इसमें नर्व रूट जो इरीटेट होती है वो हमारी लंबर 5 एंड सैक्रल रीजन सैक्रल फर्स्ट जो इरीटेट हो जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारे जो स्पाइन के मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं एंड टेंडरनेस देखने को मिलती है हमारे लोगों लंबर स्पॉन्डाइसिस लंबर एरिया पे, एंड जो हमारी L5 है S1 है रूट कंप्रेस हो जाती है, एंड मसल स्पाज़म देखने को मिलता है। SLRT टेस्ट भी मतलब क्लियरली नहीं हो पाता है। SLRT में क्या होता है कि हम इसमें अपने लेग को हम इलिवेट करके रखते हैं तो ये पोजिशन भी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम AP एंड लेटरल व्यू कराएंगे, एक्सरे से मैं चेक करेंगे लंबोसैक्रल एरिया का, लंबोसैक्रल स्पाइन का, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो डिस्क का स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑस्टियोपाइट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, नैरोइंग ज्वाइंट स्पेस देखने को मिलता है, सब लक्षण हो सकता है वन वर्टिब्रा टू अनदर वर्टिब्रा में। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट देखेंगे, जो ट्रीटमेंट में यही हमारा प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए, मतलब एक्सरसाइज हमें बैक की एक्सरसाइज करानी है, ट्रीटमेंट सिमिलर होता है हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डाइसिस की तरह। एक्यूट स्टेज है तो हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, बैड रेस्ट बोल सकते हैं पर्सन को, हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, हॉट पैक का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो स्टिफनेस है वो रिलीज हो जाए, रिलीफ मिले। स्पाइनल एक्सरसाइज कराएंगे, स्पाइनल एक्सरसाइज कराने से जो बैक पेन हो रहा है वो सही हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में हमने सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस एंड लंबर स्पॉन्डाइसिस के बारे में डिस्कस किया है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।